नमस्कार दोस्तों, आज की कथा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक बुद्धिमान शिक्षक और 19 घोड़े के बंटवारे की यह कथा है। एक गांव में रामलाल के पास 19 घोड़े थे। एक दिन रामलाल की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी लिखी हुई सारी वसीयत पढ़ी गई और उसमें लिखा था कि मेरे 19 घोड़े में से आधे घोड़े मेरे बेटे को दिए जाए और 19 घोड़ों में से एक चौथाई मेरी बेटी को दिया जाए। उन्हीं 19 घोड़ों में से पांचवा हिस्सा मेरे नौकर को भी दिया जाए। इस बंटवारे को सुनकर सभी गांव वाले बड़े चक्कर में पड़ गए। वो सभी सोचने लगे कि बंटवारा कैसे होगा। 19 घोड़ों का आधा हिस्सा करने का मतलब एक घोड़े को काटना पड़ेगा, फिर तो घोड़ा ही मर जाएगा। और चलो एक घोड़े को काट भी दिया तो बचे 18 घोड़े, तो उनका एक चौथाई 4.5 फिर दो घोड़े को काटना पड़ेगा, तभी हर एक को 4 घोड़े मिलेगी। ये बात सोचकर सभी गांव वाले बड़ी उलझन में पड़ गए। फिर गांव में से एक बुद्धिमान शिक्षक को बुलाया गया। वो बुद्धिमान शिक्षक अपने घोड़े पर बैठकर आया। उसने गांव वालों की सारी समस्या सुन ली। फिर उसने थोड़ा दिमाग लगाया। इन 19 घोड़ों में मेरे एक घोड़े को भी मिलाकर बंटवारे में बांट दो, ऐसा उस शिक्षक ने कहा। सब गांव वालों ने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत लिखकर चला गया, और अभी दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उनमें मेरे घोड़े को भी मिलाकर बांट दो। फिर सब गांव वालों ने सोचा कि इसमें उसकी मर्जी है तो हमें क्या हर्ज है। फिर बुद्धिमान शिक्षक ने बंटवारा करना शुरू किया। अभी घोड़े कितने हो गए? 19 घोड़े रामलाल के और एक घोड़ा शिक्षक का, कुल मिलाकर हो गए 20। 20 का आधा 10 होता है, तो 10 घोड़े को उसके बेटे को दिए जाए, यानी कि रामलाल के बेटे को, और 20 का चौथाई हिस्सा 5, चौथाई यानी कि उसके 4 समान हिस्से करने पड़ेंगे, जो होते हैं 5, 5, 5 और 5। ये 4 बंटवारे हो गए, तो उसमें से एक यानी कि वो हो गए 5, 5 उसकी बेटी को दिए जाए, और 20 का पांचवा हिस्सा हुआ 4, यानी कि 20 के 5 हिस्से करने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, तो हर एक जो हिस्सा था वो हो गया 4। 4 घोड़े को उसके नौकर को दिए जाए, तो कुल मिलाकर 10, 5 और 4, 10 बेटे को, 5 उसकी बेटी को और 4 उसके नौकर को, यानी कि सभी कुल मिलाकर हो गए 19। कुल मिलाकर घोड़े थे 20, उसमें से 19 घोड़े को शिक्षक ने बेटे, बेटी और नौकर में बांट दिया, तो बचा एक घोड़ा। और बचे गए एक घोड़े को बुद्धिमान शिक्षक लेकर अपने गांव लौट गए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए।